धरती में इस समय कुछ बेहद खतरनाक बदलाव हो रहे हैं। जमीन के एक बड़े हिस्से में धरती की चुंबकीय शक्ति कमजोर हो गई है। यह इतनी कमजोर हो चुकी है कि अगर इस इलाके के ऊपर से विमान निकले तो उससे संपर्क स्थापित करने में दिक्कत आएगी। आइए जानते हैं कि आखिर ये समस्या क्या है और ये कैसे आई। धरती के एक बहुत बड़े हिस्से में चुंबकीय शक्ति कमजोर हो गई है। यह हिस्सा करीब 10,000 किलोमीटर में फैला है। इस इलाके के 3,000 किलोमीटर नीचे धरती के आउटर कोर तक चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में कमी आई है। अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी में धरती के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम हो चुकी है। सामान्य तौर पर उसे 32,000 नैनो टेस्ला होनी चाहिए थी, लेकिन 70 से 2020 तक ये घटकर 24,000 से 22,000 नैनो टेस्ला तक जा पहुंची है। ये जानकारी मिली है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से। धरती के इस हिस्से पर चुंबकीय क्षेत्र में आई कमजोरी की वजह से धरती के ऊपर तैनात सैटेलाइट्स और उड़ने वाले विमानों के साथ संचार करना मुश्किल हो सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले 200 साल में धरती की चुंबकीय शक्ति में 9% की कमी आई है, लेकिन अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका तक चुंबकीय शक्ति में काफ़ी कमी देखी जा रही है। साइंटिस्ट इसे साउथ अटलांटिक एनोमली कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि धरती की चुंबकीय शक्ति से हमें क्या मतलब। तो आपको बता दें कि धरती की चुंबकीय शक्ति की वजह से ही हम अंतरिक्ष से आने वाले रेडिएशन से बचे रहते हैं। इसी शक्ति के सहारे सभी प्रकार की संचार प्रणालियां जैसे सैटेलाइट, मोबाइल चैनल आदि काम कर रही हैं। धरती की मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है? धरती के अंदर गर्म लोहे का बहता हुआ समंदर है। यह धरती की सतह से करीब 3,000 किलोमीटर नीचे होता है। यह घूमता रहता है। इसके घूमने से धरती के अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट बनता है, जो ऊपर आते आते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदल जाता है। हाल ही में कुछ स्टडीज आई थी कि धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अपनी जगह बदल रहा है। यह पोल कनाडा से साइबेरिया की ओर जा रहा है। यह इसी गर्म पिघले हुए लोहे के घूमने की वजह से हो रहा है। अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका तक के इलाके में मैग्नेटिक फील्ड की कमी आई है। उससे उस इलाके के ऊपर हमारी चुंबकीय सुरक्षा लेयर कमजोर हो गई है, यानी इस इलाके में अंतरिक्ष से आने वाले रेडिएशन का असर ज्यादा हो सकता है। जर्मन रिसर्च सेंटर शोधकर्ता जर्गेन माथजक्का ने बताया कि पिछले कुछ दशकों में अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका तक के इलाके में चुंबकीय शक्ति तेजी से कम हो रही है। जर्गेन ने बताया कि अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमें यह पता करना होगा कि धरती के केंद्र में हो रही बदलावों में किससे कितना बड़ा बदलाव आएगा। क्या इसे धरती पर कोई बड़ी आपदा आएगी? आमतौर पर धरती की चुंबकीय शक्ति 2.50 लाख साल से बदलती है, लेकिन अभी इसमें काफी साल बाकी हैं।